राजस्थान को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर जो है सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन बड़ी खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। बीजेपी ने अपना प्लान तैयार किया है और अब वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। पूरे तरीके से तैयार है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नजरों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये साबित करना चाहती है कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। सचिन पायलट की वापसी हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट गुट के साथ 19 विधायक थे, तो क्या उनकी मांगे पूरी मान ली गई है? क्या होने वाला है? क्या फ्लोर टेस्ट यहाँ पर राजस्थान में होता है तो फिर किसके पास बहुमत होगा? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक बड़ी मीटिंग भी हुई आज और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है और वो अशोक गहलोत को यहाँ पर अल्पमत में लाने के लिए पूरी पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। इस पर बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। जहां दोस्तों अमित शाह की चाणक्य रणनीति, क्या यहाँ पर सचिन पायलट को यहाँ पर कह सकते हैं प्लॉट टेस्ट में अपने पाले में कर पाएंगे, क्योंकि अब प्लॉट टेस्ट से ही साबित होगा किसके पास बहुमत। ये बड़ी खबर राजस्थान में इस वक्त निकलकर आ रही है। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक बड़ी मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग के बाद उनके साथ कितने विधायक हैं और जो यहाँ पर कह सकते हैं उनकी जो बातचीत हुई है उसमें किस समझौते पर सचिन पायलट माने हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें सचिन पायलट और यहाँ पर राहुल गांधी के बीच जो बड़ी बातचीत हुई थी उससे क्या कुछ होने वाला है? क्या सचिन पायलट मान जाएंगे? क्या वो फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही साथ देंगे? इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ पर कह सकते हैं कि माफ करो नीति पर काम कर रहे हैं, यानी जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ और आने वाले समय में यहाँ पर राजस्थान की भलाई के लिए जनता के लिए जो है इस वक्त एक होना जरूरी होता है। सरकार के ट्वीट यहाँ पर कह सकते हैं अशोक गहलोत ने निकाले हैं। कांग्रेस ने एक और बड़ा काम किया है, क्योंकि कांग्रेस में भी हड़कंप है, क्योंकि बीजेपी का बड़ा कदम यह है अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं गहलोत सरकार पर बड़ा संकट होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बड़ा काम कि भवनलाल शर्मा और विश्वेंद्र यादव का जो निलंबन वापस ले लिया है, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें मौजूदा स्थिति में क्या कुछ है राजस्थान के लिए, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें आती हैं, बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए होती है, लेकिन गहलोत के पास 85 और पायलट गुट के 19 विधायक जो है पहले जो नाराज थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो शांत है, लेकिन क्या कुछ होगा आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको देंगे। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 160 विधायक कांग्रेस के हो जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी के कुल 72 विधायक हैं, जबकि उनके साथ आरएलपी के 3 विधायक का समर्थन है। बीजेपी 75 का आंकड़ा पार कर ही है, लेकिन राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बीटीपी के 2, सीपीआईएम के 2 और आरएलडी का 1 विधायक जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा कांग्रेस के पास अभी बीटीपी के 2 और 10 निर्दलीय विधायक को समर्थन है। ऐसे में आने वाले समय में क्या प्लॉट टेस्ट की जो मांग अब बीजेपी कर रही है क्या होने वाला है? इससे अलावा अगर बात करें तो पायलट गुट की 5 मांगे थी जो फिलहाल पूरी नहीं हुई है, तो क्या होने वाला है? पायलट की फिर से डिप्टी सीएम बनाने का एवं महत्वपूर्ण विभाग देने की बात, यहाँ पर पहला जो मांग थी पायलट को यहाँ पर AICC का महासचिव भी बनाने की मांग है। इसके अलावा पायलट की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में 3 और मंत्री शामिल करने की मांग है। इसके अलावा किसी बागी विधायक के खिलाफ नहीं होगी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, इसे संकेत कांग्रेस ने दे भी दिए हैं। अविनाश पांडे की जगह प्रियंका गांधी को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग यहां पर सचिन पायलट ने रखी है। फिलहाल सचिन पायलट की किसी भी मांग को पूरा तक नहीं किया गया है, तो राजस्थान की राजनीति में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अब राज्यपाल जो है विधानसभा सत्र राजस्थान के लिए शुरू होगा और इसमें कहीं ना कहीं बसपा के 6 विधायक जो कांग्रेस में विलय हुए हैं इस पर भी फैसला जो है 1-2 दिन में आने वाला है, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला राजस्थान की। तो राजस्थान की राजनीति में आखिर क्या होने वाला है? क्या सचिन पायलट जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी ही बन चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका मन अभी भी जो है वागावी सुर पर है? इसके संकेत क्या कुछ होने वाले हैं? क्या होगा वसुंधरा राजे का नया प्लान? क्या बीजेपी जो है राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी? इस पर सबसे ताजा आंकड़े आपको बहुत जल्द यहाँ पर देने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं और एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।